चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मोहब्बत का एक तावीज़ बनाना मैं आपको बताऊंगी, उसका तरीका आप गौर से सुन लें। स्क्रीन पर भी चल रहा है, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाना इसलिए ज़रूरी है कि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। ये अमल जो है मतलूब को बेचैन करने के लिए भी किया जाता है, तालिब और मतलूब के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर आप इसको मतलब कि सही तरह अगर इस नक्श को बना लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका मतलूब इस कदर बेकरार होगा, बेचैन होगा कि आपकी सोच है, ठीक है। तो इसका तरीका जो है आप गौर से सुन लें। 3 दिन ये नक्श बनाना है, 3 दिन का अमल, 3 दिन नक्श बनाना है आपने। मंगल, बुध और जुमेरात, मंगल, बुध और जुमेरात, इन 3 दिन में आपने ये अमल जो है लिखना है और जलाना है। अमल का जो तरीका है वो गौर से देख लें, स्क्रीन पर भी चलाया हुआ है। ऊपर आप लिखेंगे जो है 786। अब जो 786 है, ठीक है, वो आप नक्श के साथ लिखेंगे ज़रूर, लेकिन उसको जलाना नहीं है, ठीक है। आप जब जलाएंगे तो आपने नक्श के ऊपर जो आइन लिखा गया है गौर से देख लें, बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना है। आइन से शुरू करना है, आइन लिखना शुरू करना है और लास्ट इब्ने फलां तक लिखना है। फलां बिन फलां, ठीक है, अलाखुब फलां इब्ने फलां, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इब्ने फलां अलाखुब फलां इब्ने फलां भी लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि आइन से इब्ने फलां तक आपने, अब फलां बिन फलां, ठीक है, अलाखुब और फलां इब्ने फलां, ये कौन है, ठीक है ना। देखें, इब्न इब्न जो इंसान अमल मतलब कि कर रहा है, यानी कि आप अगर आप कर रहे हो तो आप हो, यहाँ पे अपना नाम लिखें और फलां अलाखुब, सिर्फ आपने अपना नाम लेना है और फलां, ठीक है, आपने अपना नाम लेना है अलाखुब, फिर फलां इब्ने फलां। अगर फ़र्ज़ करें फलां की जगह आप उसका नाम तो ले देते हैं लेकिन उसकी वालदा का नाम आपको नहीं पता, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके वालिद का नाम, अगर वो भी नहीं पता तो फिर आप लास्ट में अम्मा हवा लिखेंगे, इस तरह कर लें, ठीक है। अब इस जो नक्श आप तैयार करोगे, ठीक है, रोज़ाना एक नक्श जौन सा है आप जला देना, ठीक है, जितना आप जलाएंगे तो इंशाल्लाह उतना ही मतलब बेकरार और बेचैन होगा। अब एक बात याद रखें कि अगर आप इसको मतलब कि आप फ़र्ज़ करें आपके घर में इस किस्म की परेशानी है कि आप इसको जला नहीं सकते, जला नहीं सकते, तो फिर आप इसको ऐसा करें, फिर बिस्मिल्लाह समेत लिखकर 786 ऊपर लिखकर आप इसको जो है अत्रे गुलाब या कोई सा भी अत्र ले लें, उसके अंदर इसको खुशबू के अंदर बस इसको ना डूबा रहने दें, ठीक है ना। जितना ये खुशबू में रहेगा उतना ही आपका प्यारा आपके लिए बेकरार रहेगा, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप इसको सुरख मार्कल से लिख लेते हैं, काले की बजाय सुरख मार्कल से लिख लेते हैं तो भी नया है। अगर आप इसकी फ़ोटो कापी करवा कर ऊपर ख़ुद मतलब कि सुरख मार्कल से लिख रहे हैं तब भी ये काम करेगा, तो आप ये अमल ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपका जो भी प्यारा है वो हाजिर हो जाएगा। और इसको लिखना किस टाइम है, आप दिन में सुबह 10 बजे से ले कर 4 बजे तक, सुबह 10 बजे से ले कर शाम 4 बजे तक आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस दौरान आप लिख सकते हैं ताकि सूरज की जब तक गर्मी रहेगी तब तक ये अमल काम करता है, तो आप लिख लें। अगर फ़र्ज़ करें कि आप इशा के वक़्त आपको टाइम नहीं मिला अमल करने का, ठीक है, तो आप फजर में करें, नहीं तो सुबह 10 बजे लिखें और 10 बजे ही आप अमल कर लें। तो ये अपने प्यारों को फ़र्ज़ करें, किसी का किसी बहन का जो हस्बैंड है वो नाराज़ होकर चला गया, दूर है, वो आ नहीं सकता, तो उसके लिए ये अमल करें, ये नक्श तैयार करें, तो इंशाल्लाह वो भी वापस आ जाएगा। 3 दिन का ये अमल है, 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह तालिब जो मतलूब होगा वो हाजिर हो जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैरा।